यस स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन फोर यानी एक्सरसाइज फोर क्या कह रहा है हमें? मार्क काइंड ऑफ सेंटेंस लाइक स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स विद एस, क्वेश्चन विद क्यू, कमांड विद सी एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद ई. यानी हमें अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया वाक्य क्या वो स्टेटमेंट है यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो हमें उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या वो सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वो सेंटेंस कोई कमांड दे रहा है या आदेश दे रहा है, तो उसके लिए हमें सी मार्क करना है, या वो जो सेंटेंस है वो हमें कोई हमारे इमोशन बता रहा है, सडन फीलिंग बता रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो हमें आइडेंटिफाई करके उसके दिए गए पीछे वाले सर्किल में लिखना है, इसको सिंबलाइज करना है. मैंने एग्जांपल्स कर रखे हैं कुछ बोर्ड पे, लुक एट दी बोर्ड, देखिए फटाफट. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली क्या है? भारत के कैपिटल है, ये हमें बता रहा है. तो यहां मैंने स्टेटमेंट लिखा है, एस लिखा है स्टेटमेंट के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ इज योर मदर नाउ, आपकी माता जी अब कैसे हैं? ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको पीछे क्वेश्चन दिखाने के लिए मैंने यहाँ सर्किल में क्यों लिखा है. नेक्स्ट है जो आल्स, हिज ग्रैंडफादर इज नो मोर, ये हमारी सडन फीलिंग बता रहा है, इमोशन बता रहा है. एंड इवन आई कैन सी द इंटरोगेटिव और सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क ओवर हियर. तो आई कैन आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो मैंने ब्रैकेट में उसके लिए ई लिखा है. इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं और इस तरह पीछे जाके ब्रैकेट में आपको लिखना है कि वो किस प्रकार का वाक्य बना हुआ है. आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, वेरी इजी टू गो, राइट डेफिनेशंस ऑफ इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस विथ टू टू एग्जाम्पल्स. अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमने सारे काइंड ऑफ सेंटेंसेस से उसकी डिफाइंस पढ़ी थी. अब आपको उसमें से केवल एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक इंपेरेटिव सेंटेंस, इनकी डेफिनेशन लिखनी है. जैसा कि देखो आपके लिए मैंने सॉल्व करके रखा है बोर्ड पे, आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की मैंने डिफाइन लिखी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है. इसके बाद देखिए, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. ऐसा वाक्य जो कि हमसे प्रश्न पूछता है या कोई जानकारी मांगता है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जिसके मैंने ये तो मैंने डिफाइन लिखी है, इसके बाद मैंने टू एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आपको भी बिल्कुल ऐसे लिखने हैं. जैसे देखिए, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, फिर आई पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, और फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, यानी मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस के डिफाइन लिखी है, उसके बाद उसके टू एग्जांपल्स लिखे हैं. आपको इसके साथ साथ इंपेरेटिव की भी डेफिनेशन लिखनी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, और इवन यू हैव टू राइट टू एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि शट द डोर, कीप क्वाइट, गेट बैक टू योर वर्क, गो टू बेड. इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं वो लिख सकते हैं. एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए बच्चों किस तरीके से आपको वर्क करना है, एंड मेक श्योर कि आप इसी तरीके से वर्क करें. थैंक यू वेरी मच.